अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान नहीं मान रहे, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही कंपनी वालों की। अगवा, कत्ल, मार धाड़, ब्लैकमेलिंग, मीडिया, आर्मी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक कोई हरबा इनका कामयाब नहीं हो रहा इमरान ख़ान को तोड़ने या उनको कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर करने के लिए। अब किसी तरह नवाज़ शरीफ को वापस ला कर क़ुरबानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ये भांप कर कोई रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही, बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि उनके काफ़ी बड़े बड़े लीडर जो हैं वो चुपके से मुल्क छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अवाम के हकूक गस्प करके पाकिस्तान को एक और फ़लस्तीन बनाने की तैयारी हो रही है या उस पर तेज़ी से काम जारी है। बुनियादी हकूक गस्प, डराना धमकाना, कैद, कत्ल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इनके आकाओं की तरफ से इनको यही हुक्म है। अभी हाल ही में जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा शुरू हुआ है उसके ऊपर आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो देख चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब उनका भी बयान आप देख चुके हैं। लेकिन हुआ यह है कि इसराइल की जंग से इनका मनसूबा खटाई में पड़ गया। जो डॉलर आने थे, जो असला बेचना था, उसको फ़िलहाल ब्रेक लग गई है। एक इतला के मुताबिक गालबन आदिल राजा ने यह बात ब्रेक की है कि इसराइल को जो असला बेचा जाएगा उसके ऊपर पाकिस्तान का ठप्पा नहीं लगेगा या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ठप्पा नहीं लगेगा, बस वो अनमार्क्ड म्यूनेशन होगा। अब ये प्लान इन चंद वतन फरोशों का है कि फ़ौज और अवाम में फासला पैदा किया जाए, अवाम से फ़ौज की नफ़रत को उभारा जाए, ताकि जो ये मेरी नाकस राय है कि पाकिस्तान का नक्शा तब्दील किया जाए, बलूचिस्तान, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और ख़ास तौर से केपीके के इलाके। ये प्लान बहुत पुराना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अमेरिका को यहाँ पे हर सूरत में परमानेंट बेस चाहिए। कश्मीर का मामला तो उसके लिए खटाई में पड़ गया क्योंकि भारत से गलत पंगा ले लिया है उन्होंने। लेह के पीछे लद्दाख, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान रह जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में तो आपको हालात का पता चल ही चुका होगा कि वहाँ पर कैसे मुजाहरे हो रहे हैं और यहाँ तक के अलहदगी की बातें हो रही हैं। तो मंसूबा तो फ़िलहाल कामयाब होता नज़र आ रहा है। जो इनके गैर मुल्की गोरी चमड़ी वाले आका हैं, इनकी डोरियाँ इनके पट्टे पकड़ के हिला रहे हैं और इनकी दुमे आगे से हिल रही हैं क्योंकि इनको अपने माल से मतलब है, पाकिस्तान से नहीं। बहरहाल अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारी आवाम, हमारी अफवाज को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह खान साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देखिए क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं कौम किस हद तक उनका साथ देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।